विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज आषाढ़ी एकादशी इस उपलक्ष्य में हम श्री पंढरपुर धाम एवं पंढरपुर धाम में आए हुए सारे वैष्णव उन पे कथा करेंगे। आज कथा के आरंभ में थोड़ा धाम विशेष सूचना देने की इच्छा करता हूँ मैं। जैसे आपको पता होगा कि भारत एक बड़ा विशाल प्रदेश है, जिसमें जिस कोने में आप जाएंगे आपको कोई ना कोई एक धाम एक तीर्थ स्थल मिलेगा आपको। एक बार की बात है, दो विद्यार्थियों में चर्चा चल रही थी, एक भारत के समक्ष में बोल रहा था, एक भारत के विरोध में बोल रहा था। जो आधुनिक तथाकथित विद्यार्थी था वो बोल रहा था भारत में है क्या, भारत में कुछ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ भी देखो रास्ते दो टूटे फूटे रास्ते हैं, रास्ते सब जगह पर गड्ढे हैं रास्तों में। और उन्होंने कहा आप जाएंगे अमेरिका में, यूरोप के शहरों में, वहाँ पर सारे रास्ते बड़े हैं, चौड़े हैं, साफ सुथरे हैं, कितने अच्छे रास्ते, और भारत का रास्ता इतना ख़राब है। तो ऐसा तो नहीं है, अभी भारत में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से एक जो विद्यार्थी जिसको भारत में बड़ा गर्व था उसने अच्छा एक बातचीत कहा कि अमेरिका के अमेरिका या यूरोपियन शहरों के राजधानी के शहरों शहर के जो रास्ते बड़े होंगे, लेकिन वो रास्ते कहाँ जा रहे पता नहीं, लेकिन भारत के जो रास्ते हैं वो प्रत्येक रास्ता पकड़ो, उस रास्तों पे आपको कोई ना कोई तीर्थ स्थल
धाम आपको मिलेगा। तो सारे भारतों के रास्ते आपको भगवत धाम रूपी तीर्थ स्थलों पे लेके जाते हैं, और ये जो अनुभव है ये भारत के बाहर आपको क्वचित या किंचित ही मिल सकता है। तो देखिए, भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ एक है कि यहाँ पर आपको पर्यटन के लिए भगवान से संबंधित आध्यात्मिक धामों का आपको पर्यटन मिलता है। तो देखेंगे हम कि हमारे इस सनातन धर्म की संस्कृति में कितने सारे आध्यात्मिक धाम हमारे पास है। चार धाम की यात्रा पर जाते, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। फिर चार धाम जो है चार दिशा में, जगन्नाथ पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, श्रीरंगम, उसके अलावा फिर वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी कहा हमने, कांचीपुरम, उडुपी, और उसी तरह महाराष्ट्र में श्री पंढरपुर धाम। तो पंढरपुर धाम की विशेष महिमा है, ऐसा कहा गया है कि ये जो राज्य है महाराष्ट्र, इसका नाम महाराष्ट्र क्यों पड़ा? क्योंकि इस राज्य में आप देखेंगे बहुत संतों ने जो जन्म लिया है, इसीलिए संत भूमि के हिसाब से उस उपलक्ष्य में इसे महाराष्ट्र कहा गया है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा का विषय होगा हमारे एक सुंदर किताब जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने लिखा है, इस पर आधारित हमारी चर्चा होगी। आशा करते हैं कि आपने किताब पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कृपया करके आप किताब लीजिए, ये बहुत सुंदर किताब है। इसमें बहुत डिटेल से बताया है पंढरपुर के बारे में, हम तो उस सागर का एक बूंद आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। तो लोकनाथ महाराज जी अपने इस आध्यात्मिक ग्रंथ में कहते हैं कि श्रील व्यासदेव जी ने धाम के बारे में बहुत सी चर्चा की है, खास करके उन्होंने कहा कि धाम से हमें अपने अपने जीवन पे बहुत लाभ होता है, उससे बहुत सारे प्रॉफिट हमें या फिर वाइब्रेशंस हम ले सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे अस्तित्व में हमारा शरीर है, हमारा मन है और हमारी आत्मा है, हम हैं, तो हर लेवल पर धाम का हमारे पर इफ़ेक्ट होता है। ऐसे कहा गया है कि जो हमारा शरीर है उसको शुद्ध करना है तो धाम की जब यात्रा करते हैं, धाम के भूमि के स्पर्श से हमारा शरीर जो है वो पवित्र हो जाता है। उसी तरह धाम में जो अलग अलग तीर्थ है, जल है, उसके स्पर्श से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, और धाम में रहने वाले जो साधु संत हैं उनके संगम से, उनके संग से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो हर लेवल पे धाम हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए योग्यकार है। तो हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र ये जो राज्य है इसे संतों का राज्य कहा गया, इतने सारे संतों ने यहाँ पर जो है अपना जन्म लिया है, और ये सारे संत महाराष्ट्र का जो आध्यात्मिक राजधानी है, महाराष्ट्र का जो राजधानी मुंबई है लेकिन आध्यात्मिक राजधानी जो है पंढरपुर है, और हर एक संत जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, महाराष्ट्र नहीं कहीं भी पैदा हुआ है, वो अधिकतर संत महाराष्ट्र के और एवं अलग राज्य के सारे संत ज़रूर अवश्य पंढरपुर एक बार या बार बार अवश्य आए हैं। ये इस क्षेत्र की सुंदर महिमा है। तो ऐसे कहा गया है कि ये क्षेत्र है महाराष्ट्र प्रदेश में सोलापुर के ज़िले में आता है, और आप देखते होंगे इसमें कि पंढरपुर कितना सुंदर एक ऐसा एक दिव्यमान धाम है, और उसके बगल से जो भीमा नदी है जिसका वहाँ पर नाम पड़ा है चंद्रभागा नदी, ये यहाँ से बहती है, और अलग अलग तीर्थ क्षेत्र है, अलग अलग मॉडर्न जो शहर है उससे भी कनेक्टेड है इस पंढरपुर क्षेत्र का। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए सारे भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, तो अलग अलग भक्त यहाँ पर पैदा हुए महाराष्ट्र में, और वो पंढरपुर धाम में यहाँ पर उपस्थित हुए दर्शन के लिए और कीर्तन के लिए। चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर धाम में आए। एक विशेषता ऐसे है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना पहला 24 साल जो है नवद्वीप मायापुर में व्यतीत किया, उसके बाद के 24 साल वो जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना जो है रहने का स्थान रखा, लेकिन जगन्नाथपुरी से अक्सर वो कुछ यात्रा के लिए निकलते थे। उनमें से एक बड़ी यात्रा जो उन्होंने की वो है दक्षिण भारत की यात्रा,
उस दक्षिण भारत की यात्रा में जो कम से कम 1.5-2 साल जो चली, वो दक्षिण भारत की यात्रा में सबसे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु रुके श्रीरंगम में, जहाँ उन्होंने चातुर्मास, हाँ, जो बारिश के 4 महीने वहाँ पर उन्होंने गुजारे। इतना लंबा कहीं रुके नहीं चैतन्य महाप्रभु, हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक से अधिक एक दिन या कुछ समय बिता कर निकलते थे। श्रीरंगम में 4 महीना, और दूसरा जो उन्होंने दूसरे स्थान, जो सेकंड स्थान जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिताए दिन, वो था पंडरपुर। पंडरपुर में वो 11 दिन रहे। यहाँ सुंदर वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत के लिए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से, तथा होइते गौरचंद्र पंडरपुर आयले आयला, विठ्ठल ठाकुर देखी आनंद पायला। तो महाप्रभु यहाँ पर आए और महाप्रभु 11 दिन रहे, और महाप्रभु ने क्या किया, संकीर्तन किया, यहाँ पर भगवान का दर्शन लिया, चंद्रभागा नदी में स्नान किया, और भगवान का जो है यहाँ पर कीर्तन किया। और उनका कीर्तन इतना प्रसिद्ध हो गया कि मानो ऐसा कहा गया है कि जैसे कोई बड़ा पर्व होता है, महोत्सव होता है, जैसे आज आषाढ़ी एकादशी, आज के दिन जो है लाखों के तादाद में लोग पंढरपुर जाते हैं, तो आज के तारीख में जितनी भीड़ होती है, वैसे ही भीड़ जो है पंढरपुर में हो गई थी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, उनका नृत्य करने के लिए। तो परम पूज्य आलोकनाथ महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य शरीर था, 7 फीट के आसपास का शरीर था, भौतिक रूप से हम नाप रहे, लेकिन इतना बड़ा शरीर होने के कारण सब कोई व्यक्ति इतनी भीड़ में भी देख सकता था महाप्रभु को, कि महाप्रभु बहुत ऊंचे थे और महाप्रभु अपना हाथ भुजा ऊपर उठा कर कीर्तन करते थे। ऐसे कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर दिख रहा था लोगों को, कैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे वो उछल रहे थे आकाश में, तो उछल रहे थे, सारे भक्तों को दूर दूर से चैतन्य महाप्रभु कभी कोई चरण कमल दिख जाते थे, इतने चैतन्य महाप्रभु आनंद होकर नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, कीर्तन किए, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर पर रुके, वहाँ प्रसाद लिया उन्होंने। ऐसा कहा गया है कि उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उनका उनके जो बड़े भाई विश्वरूप है, वो संन्यास लेकर उन्होंने पंडरपुर में अपना निवास स्थान रखा था, और यहीं पर वो अंतर्धान हो गए। इस क्षेत्र में आने से पहले, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर अपनी यात्रा में आ चुके हैं, और नित्यानंद प्रभु के लिए विशेष स्थान ये है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु यहाँ पर जब आए तो ऐसा कहा जाता है कि विश्वरूप जो अंतर्धान हो गए यहाँ पर, विश्वरूप जो है वो भी नित्यानंद प्रभु के एक अंश है, तो वो नित्यानंद प्रभु में वो मिल गए। नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, और नित्यानंद प्रभु के लिए स्पेशल जगह क्यों है, क्योंकि ये स्पेशल जगह इसलिए है कि नित्यानंद प्रभु की दीक्षा यहाँ पर हुई। नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर लक्ष्मीपति तीर्थ इनसे दीक्षा ली। लक्ष्मीपति तीर्थ जो है माधवेंद्रपुरी गोस्वामी के वो गुरु है, तो इसलिए कहा गया है कि लक्ष्मीपति तीर्थ यहाँ पर जब आए और विराजमान थे, उसी समय लक्ष्मीपति तीर्थ ये बड़े बलराम जी के बड़े भक्त थे, उनको सपने में नित्यानंद प्रभु बलराम जी आके बोले कि आज आपको एक नवयुवक आके मिलेगा, आप उसे अवश्य दीक्षा देना। भगवान ने कहा नहीं कि वो नवयुवक कौन होगा, बस इतना ही समाचार था उनको कि सपने में आया कि कोई नवयुवक आएगा, उन्हें दीक्षा दे देना। तो लक्ष्मीपति तीर्थ बैठे थे अपने निवास स्थान पे, और नित्यानंद प्रभु वहाँ पर आए और दंडवत प्रणाम किया, और लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको दीक्षा दी। और दीक्षा का मंत्र क्या दिया, बलराम जी ने जो दीक्षा मंत्र दिया था सपने में लक्ष्मीपति तीर्थ, वही मंत्र उनको दिया। तो नित्यानंद प्रभु को देख के बड़े भाव विभोर हो गए, लेकिन पता नहीं था उनको कि नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार आए हैं कलयुग में। तो नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दी, उनके साथ में समय बिताया, फिर नित्यानंद प्रभु चले गए अपनी यात्रा में आगे। उसके बाद उसी दिन शाम को या रात को लक्ष्मीपति तीर्थ को फिर से समाचार या सपना आया, जिसमें बलराम जी प्रकट हुए, और बलराम जी विस्तार होकर उन्हें बताया कि वो ही नित्यानंद प्रभु है। लक्ष्मीपति तीर्थ ने जब ये देखा सपने में तो बड़े भाव विभोर हो गए, और मन में वो सोचने लगे कि कैसे भगवान को पहचान नहीं पाया मैं, भगवान आए मुझसे दीक्षा लेके चले गए लेकिन पहचान नहीं पाए। तो इस तरह से सुंदर कथा जो है ये पंढरपुर धाम में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एवं अलग अलग वैष्णव आचार्य यहाँ पर आके गए। ये देखिए चैतन्य नित्यानंद प्रभु का दीक्षा यहाँ पर हुआ। अलग अलग वैष्णव आचार्य यहाँ पर आए, रामानुजाचार्य यहाँ पर आए, निम्बार्क आचार्य आए, मध्वाचार्य यहाँ पर आए,
श्रीपाद वल्लभाचार्य जी की बैठक यहाँ पर है, शंकराचार्य जी यहाँ पर आए। शंकराचार्य जब यहाँ पर आए तो विट्ठल के सुंदर विग्रह को देखकर वो सिर्फ रोने लगे, गदगद हो गए, और उस उमंग में, उस भक्ति के शैली में उन्होंने एक स्तोत्र गाया, स्तोत्र की रचना की उन्होंने, और उस स्तोत्र का नाम बाद में पड़ा पांडुरंग अष्टकम, जो आज भी वहाँ पर गाते हैं मंदिर में और मंदिर की दीवारों में उसे रखा है। तो भगवान को देखकर स्फूर्ति आई और उन्होंने पांडुरंग अष्टकम जो है उसका रचना किया। तो पंडरपुर धाम की अलग अलग महिमा है, ऐसे कहा गया है कि ये सुंदर श्लोक आ रहा है यहाँ पर, अभंग है, तुकाराम महाराज ने लिखा है, उद्दंड देखिले उद्दंड ऐकिले उद्दंड वर्णिले क्षेत्र महिमे, ऐसी चंद्रभागा ऐसे भीमा तीर ऐसा विटेवर देव कोठे। तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि इतना सुंदर स्थान है, इतना सुंदर स्थान मैं देख रहा हूँ, इतना सुंदर स्थान के बारे में सुना है, सुन रहा हूँ, ऐसा इतना वर्णन इस क्षेत्र के बारे में है। और कहाँ पर ये क्षेत्र है? चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा भीमा तीर, भीमा नदी के तट पर है। और कौन से भगवान है? विटेवर देव कोठे। भगवान किस पे खड़े हैं? एक ईंट पर खड़े, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, कथा बताएंगे ईंट की कथा, और भगवान कैसे खड़े हो गए उस पर। ऐसे संत जन ऐसे हरिदास, और यहाँ पर जो आए संत महात्मा वो कितने महान हैं, हरिदास भगवान के भक्त, ऐसा नाम घोष संग कोटे। और यहाँ पर जो भक्त सब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? नाम घोष, भगवान के नाम का उच्चार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तुका मणे आमा अनाथ कारणे पंढरी निर्माण के लिए देवी। तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, आई संसार में हम आ गए भगवान, हम अनाथ हैं, आपको छोड़ के आध्यात्मिक जीवन दुनिया से यहाँ पर आए, हम अनाथों के लिए आपने उसी आध्यात्मिक जो आपकी जगह है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसे यहाँ प्रकट किया है ताकि हमें आपसे कनेक्शन हो जाए। उसी तरह नामदेव गोस्वामी जी ने ये सुंदर अभंग लिखा, सुख लागी जरी करीश तलमल तरी तू पंढरीशी जाए एक वेळ, मग तू अवघाची सुखरूप होशी जन्मो जन्मीचे दुख विसरसी। नामदेव महाराज बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको सुख की खोज है, सुख की इच्छा है, तो जरूर एक बार तो पंडरपुर जाके आइए। फिर एक बार आप जाएंगे तो इतनी सुख, इतना सुख मिलेगा कि जन्म जन्मों का दुख आप भूल जाएंगे। कितना सुंदर वर्णन है, कोई एक डिवोटी पंडरपुर के बारे में अपना रियलाइजेशन अपने साक्षात्कार बोल रहा है। पद्म पुराण में भी वर्णन आता है पंडरी पंडरपुर महात्म्य का। तो इस तरह से हम देखते हैं पंडरपुर एक बहुत बहुत विशाल, बहुत अद्भुत और बहुत आध्यात्मिक और बड़ा अच्छा क्षेत्र है, जहाँ की यात्रा हर भक्तों को करनी चाहिए। यहाँ की एक विशेषता है यहाँ का कीर्तन। भक्त जब आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो डिंडी कहते हैं उसे, जो यात्रा निकलती है और बहुत दूर दूर से चल के आते हैं, चल के आते हैं, अपने जो अर्च विग्रह घर पे है उसे उठा कर लेके आते हैं, कोई कोई पालकी लेके आता है। महत्वपूर्ण दो पालकी निकलती है, एक तुकाराम महाराज की पालकी देहू से निकलती है और एक आलंदी से ज्ञानदेव महाराज की पालकी निकलती है। उन पालकी से, पालकी के साथ इतने सारे श्रद्धालु आते हैं और अलग अलग बहुत सारे छोटे मोटे पालकी भी निकलती है। हमारे इस्कॉन की पालकी निकलती है और इस्कॉन के भक्त बड़े धूमधाम से शामिल होते हैं, कीर्तन करते हैं, बैलगाड़ी होती पदयात्रा की और पुस्तक वितरण होता है। बहुत सुंदर जो ऐसी ये पदयात्रा निकलती है जो बस इन मेन पालकी के जस्ट पीछे पीछे हमारी चलती है। तो ये जो पंडरपुर है इसका अलग अलग जगह पर नाम दिया है, कोई कहते हैं इसका नाम पंडरपुर है, कोई पुंडलिकपुर है। इसे नाद ब्रह्म क्षेत्र भी कहते हैं। नाद ब्रह्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? ऐसे कहा गया है कि आप जो यहाँ पर भारत में बहुत सारे हमारे तीर्थ क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ऐसे कहा गया है कि जो जगन्नाथपुरी है उसे कहते हैं अन्न ब्रह्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ का प्रसाद सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ प्रसाद की बहुत विशेषता है। यहाँ का जो प्रसाद का जो एरिया है उसे कहते हैं आनंद बाज़ार, वो बाज़ार जहाँ पर आपको आनंद मिलेगा, कैसे? भगवान के प्रसाद के रूप में। तो अन्न ब्रह्म क्षेत्र है। उसी तरह तिरुपति को कहा गया है कांचन ब्रह्म क्षेत्र, क्योंकि इतना धन वहाँ पर है,
और ये जो जगह है पंढरपुर, इसे कहते हैं नाद ब्रह्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सबसे स्पेशलिटी यहाँ का कीर्तन है। यहाँ पर इतने सारे अभंग की रचना हुई है, अभंग गाते भक्त लोग, बहुत सारे अभंग आपने सुने होंगे, इस प्रोग्राम के पहले भी आपने सुने होंगे बहुत सारे अभंग। कितने सुंदर अभंग आए भक्त लोग भक्त गाते हैं, कितना सुंदर उनका भक्तिमय जो हृदय प्रकाशित होता है उस अभंग के द्वारा। और सिर्फ गाते ही नहीं, गानों के गाते के गाते गाते ताल भी होता है, और ताल के साथ में नृत्य भी होता है, इसलिए नाद ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं इसे। ऐसा कहा गया है कि एक शास्त्रों में ऐसा विचार है कि भगवान जब सुबह उठकर वो स्नान करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, उसके बाद उनका जो ड्रेसिंग होता है, पूरा उनका श्रृंगार होता है, वो द्वारका में होता है, और जब उनको भूख लगती तो जगन्नाथपुरी जाते हैं खाने के लिए, वहाँ छप्पन भोग होता है, और जब उनको विश्राम करना होता है तो वो श्रीरंगम या रामेश्वरम में जाते हैं। लेकिन जब उनको और उनको जब बिजनेस करना होता है बिजनेस, तो तिरुपति जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग धाम के बारे में उनका ऐसा एक विशेष विचार है भक्तों का। तो इन सब जगह पर जब भगवान जाते हैं स्नान के लिए, श्रृंगार के लिए, खाने के लिए, विश्राम के लिए, इत्यादि इत्यादि, एक चीज़ ऐसा कहा गया है कि भगवान अपने एक्टिविटी, अपने कार्यों में बिजी है। तो भगवान सोचने लगे कि मैं अपने कार्यों में बिजी हूँ, लेकिन भक्तों के लिए कहाँ मैं समय दे रहा हूँ। इसलिए उन्होंने विचार किया, एक जगह ऐसा जाना चाहिए जहाँ मैं किसी और चीज़ को नहीं करूँगा, बस अपने भक्तों की राह देख रहा हूँ और भक्तों को दर्शन दूंगा और उनके सारे जो इच्छाएं पूरी करूंगा, उनसे विचार विमर्श करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पंढरपुर में भगवान आए खड़े हैं और सिर्फ वेट कर रहे हैं आप कब आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। इसीलिए जैसे वेट करने का पोज होता है कि लोग आदमी अपने कंधे पे, या कंधे पे नहीं, अपने बाजू पे हाथ रखकर जिस तरह से किसी की प्रतीक्षा करता है, तो उस तरह से भगवान खड़े हैं और सबकी प्रतीक्षा कर रहे, कब आप आएंगे हम उनसे मिलने के लिए, आपके विचार प्रकट करेंगे, आपके दुख को सुनाएंगे, आपके भक्ति के साक्षात्कार को सुनाएंगे, आपके आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में भगवान जो है खड़े हुए हैं, और अनादि वर्षों से खड़े हुए हैं, और भगवान अपना दर्शन सबको दे रहे हैं। तो ऐसे कहा गया है कि इस क्षेत्र का शुरुआत हुआ एक बड़े भक्त से। हम देखते हैं कि भारत में जो धाम वगैरह तीर्थ क्षेत्र है, अधिकतर तीर्थ क्षेत्र क्यों है, क्योंकि वहाँ भगवान ने कुछ लीला की, या भगवान वहाँ प्रकट हुए, भगवान वहाँ रहे, तो भगवान से संबंधित कुछ लीला है, भगवान से कनेक्टेड लीला है। लेकिन ऐसे भी कुछ धाम भारत में हैं जिनका वैशिष्ट है कि वो भगवान के भक्त के कोई जन्म स्थान है, या उनकी लीला है, इसलिए वो महान स्थान बना है। पंढरपुर की भी विशेषता एक भक्त से कनेक्टेड है, और वो भक्त है पुंडलिक। पुंडलिक की क्या कहानी है? पुंडलिक की कहानी जानने के पहले हम पुंडलिक के पिछले जीवन की कहानी सुनते हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज अपने सुंदर एक किताब में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और कंस का उन्होंने वध किया, उसके बाद जरासंध बड़ा कुपित हो गया। जरासंध की दोनों बेटियां कंस से विवाहित थी, तो जब वो विधवा बन के आ गई तो इतना बुरा लगा जरासंध को। कंस तो क्रूर था, लेकिन जरासंध की आंखों में तो कंस बड़ा दिव्य पुरुष था, बड़ा दानी पुरुष था, तो उसे बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, और उन्होंने मथुरा पर जो है आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के लिए कौन सी सेना है उनके सामने टिकने वाली? कृष्ण बलराम ने अकेले ही जरासंध के सारे सेना को परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध को न मारते उसे छोड़ दिया। तो जरासंध फिर से गया अपने राज्य में, फिर से और एक सेना जमा करके फिर से आया। ऐसे करते करते 17 बार जरासंध मथुरा में आक्रमण करते हैं और भगवान उन्हें परास्त करते थे।
तो भगवान विचार कर रहे हैं कि ये बार बार जरासंध यहाँ पर आ रहा है आक्रमण करने के लिए, तो मथुरा एक सुरक्षित जगह नहीं है। तो उनका विचार हुआ बलराम जी के साथ में कि अभी हमें कहीं और एक क्षेत्र जाना चाहिए जहाँ पर वो सुरक्षित हो इन सब आक्रमणों से। तो ऐसे कहा गया, उसी बीच एक तरफ से जरासंध आक्रमण कर रहे थे, और उसी समय कहीं और से कालियवन नाम का एक असुर था, वो भी अपनी सेना लेके आया यादवों पर जो है आक्रमण करने के लिए। तो भगवान ने कहा भी दो अलग अलग दिशा से सेना आ रही है। तो उससे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को कहा कि अभी मैंने एक द्वारका नगरी स्थापित की है समुन्द्र के बीच में, आप सारे मथुरा वासियों को द्वारका में आप शिफ्ट कीजिए, तब तक मैं इनसे झेल लेता हूँ। सबसे पहले कालियवन आ गया, बलराम जी सबको लेके चले गए। हाँ, और कालियवन जब उपस्थित हुआ, जरासंध के पहले कालियवन आया, तो भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले और भगवान श्री कृष्ण कालियवन को देखते हंसते हुए सिर्फ चल रहे थे। देखिए, कालियवन युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करते हुए चलते गए। तो कालियवन को बड़ा क्रोध आया, वो भागा कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, वो तो परम पुरुष है, परम परमेश्वर है। तो भगवान आगे चल रहे थे, पीछे कालीवन भाग रहा था, फिर पकड़ नहीं पाया। चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने खूब दौड़ाया कालीवन को, और जो मथुरा अभी आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के जिला में आता है, वहाँ से गुजरात तक चला के लेके आए। और गुजरात में गिरनार पर्वत है, तो गिरनार पर्वत ही अभी जूनागढ़ जिला में आता है। उस जूनागढ़ जिला के एक गिरनार पर्वत के एक गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए। वहाँ क्यों प्रवेश किए, क्या कारण था? कारण था क्योंकि कालीयवन को मारना था। कालीयवन को मारने के लिए भगवान ने दो अलग अलग चीज़ों को रखा, उनको नज़र में रखते हुए ऐसा एक कार्य किया कि कालीयवन मर भी गया और आगे से कुछ इफ़ेक्ट यादव पर नहीं होगा। क्योंकि कालीयवन को एक वरदान मिला था कि यादव उन्हें नहीं मार सकेगा कोई भी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि हम तो नहीं मार सकते, तो किसी और के थ्रू मारना पड़ेगा। इस बीच में उस गुफा में एक व्यक्ति सोया था जिसका नाम था राजा मुचुकुंद। सतयुग से सोया था वो। क्यों सतयुग से सोया था? सतयुग में राजा मुचुकुंद जब थे, राज्य कर रहे थे, इतने बड़े विशाल राजा थे, सम्राट थे, कि देवताओं और दानवों में जो युद्ध हुआ, तो देवताओं की बड़ी इच्छा हुई कि उनको सपोर्ट चाहिए, कोई पावरफुल कमांडर चाहिए। तो उन्होंने मुचुकुंद राजा को बुलाया, और ये जो युद्ध हो रहा था ये पृथ्वी पर नहीं हुआ, ये आकाश पर हुआ, अलग स्तर पे हुआ। तो जब तक युद्ध समाप्त हो गया और मुचुकुंद महाराज ने कहा कि देवताओं को अभी मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद आपका, आपने सेवा दिया, तब देवताओं ने कहा कि आप यहाँ पर इतना समय बिता लिया, आप नीचे जाओगे, अब पृथ्वी पर इतने सारे हजारों वर्ष निकल गए, ना ही तो आपके कोई रिश्तेदार है, कोई पति पत्नी पत्नी गया, कोई बच्चे कोई वहाँ पर है, कोई राज्य आपका है, सब निकल गया, सब छूट गया आपका। तो मुचुकुंद बोले ठीक है, क्या करना चाहिए अभी? तो फिर देवता बड़े प्रसन्न हुए कि मुचुकुंद महाराज, आपने अपना पूरा सर्वस्व त्याग किया हम सबको मदद करने के लिए, देवताओं को सुरक्षित करने के लिए, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको भगवान की कृपा का लाभ होगा, क्योंकि भगवान के निर्देशन में हम सब कार्य करें इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, तो आपको भगवान का जो है लाभ होगा, भगवान के भक्ति का लाभ होगा। और उन्होंने कहा कि आपको और कुछ मांगना है तो मांगिए। मुचुकुंद महाराज उसमें बहुत थके हुए थे, वो इंद्र को बोले, जो देवताओं के राजा है, कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आराम करूँ। तो इंद्र ने कहा उसमें क्या है, आराम कर लो। लेकिन मुचुकुंद ने कहा मुझे इतनी इतनी थकावट है कि मुझे अच्छे से आराम करना है, तो मुझे ये गारंटी नहीं है कि अगले मैं जब आराम कर रहा हूँ फिर से कुछ मदद लग जाए, कोई बुला ले, तो ऐसा हो जाए कि मैं आराम करूँ तो कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इंद्र के द्वारा उनको वरदान मिला कि उन्हें कोई अगर आराम करते हुए डिस्टर्ब करेगा तो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से राख हो जाएगा। अब ये कनेक्शन आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में अंदर चले गए, प्रवेश किए। पीछे कालीवन बड़ा क्रोध अवस्था में आ गया, वो तो बहुत भाग रहा था बेचारा।
तो अभी उसके उसकी बुद्धि चल नहीं रही थी, वो अंदर ही उस अंदर प्रवेश कर रहा था गुफा में। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो चद्दर है, पीला चद्दर, पीताम्बरी वेश, वो पुचुकुंद महाराज के ऊपर जो सोए हुए थे उन पे डाल दिया और भगवान छिप गए एक कोने में। जैसे कालीवन अंदर आया, क्या देखा उसने, कोई सोया हुआ है और चद्दर किसकी है, कृष्ण की। तो उसे इतना आक्रोश था कि इतना भगाया भगवान श्री कृष्ण ने, इतना छल कर रहा है, अभी ये सोने का भी छल कर रहा है, सो रहा है मेरे सामने। तो गुस्से में आके उसने एक जोर से अपने पैरों से लात मार दी। जब लात मार दी मुचुकुंद को, बहुत ज़ोर से वो लात लगी, हाँ कालीवन की लात थी वो, तो मुचुकुंद महाराज जो है उनका जो नींद भंग हो गया। सत्ययुग में सोए हुए अब द्वापर युग में उनको उठाया गया। जैसे उठे किसको देखा उन्होंने, कालीयवन को, और कालीयवन देवताओं के वरदान से वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, चूर चूर हो गया। और मुचुकुंद सोच रहा था कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से आ गया, नष्ट हो गया, और सोच रहे थे कि सोना चाहिए मुझे कि जागना चाहिए। उतने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान को देखकर इतना आनंद आ गया, मुचुकुंद महाराज ने प्रणाम कर दिया और उसे याद आया कि इंद्र के द्वारा जो वरदान प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति का लाभ होगा। तो ऐसे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न थे मुचुकुंद महाराज से और उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुआ, आपने देवताओं को मदद की और अपना पूरा सर्वस्व दे दिया उनको मदद करने के लिए। तो मुचुकुंद ने कहा कि भगवान इतना सुंदर आपका ये रूप है, रूप मनोहर सुंदरते ध्यान, ये रूप मुझे हमेशा दिखता रहे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि अवश्य ये आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी आपके अगले जीवन में। अभी मैं चाहता हूँ कि आप इतने सालों के बाद आप उठे हैं, अभी आगे चल के कलयुग आने वाला है, इसलिए आप यहाँ से निकलकर बद्री का आश्रम जाइए, वहाँ तप कीजिए और वहाँ पर रह के अपना शेष जीवन व्यतीत कीजिए। अगले जीवन में जब आप प्रकट होंगे, आपको आपका मांगा हुआ जो वरदान है, इच्छा है, वो पूरी करूँगा मैं, कि आपको मेरा दर्शन इस रूप में हमेशा मिलता रहे। तो ऐसा कहा गया कि ये पुंडलिक, यही मुचुकुंद महाराज अपने अगले जीवन में पुंडलिक बने। तो ये कहानी जो है पुंडलिक के पिछले जीवन की है। तो उसके पहले कि पुंडलिक जी के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना आवश्यक है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे द्वापर युग में ही, तो उस दौरान एक बार द्वारिका में रुक्मिणी देवी बड़ी जो है भगवान से नाखुश हुई और अपनी मान लीला को करते हुए वो रुक्मिणी देवी द्वारका से निकल के महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में क्यों आई, क्योंकि रुक्मिणी देवी का आद्य स्थान महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र के विदर्भ में कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी देवी का जन्म हुआ। उनके जो पिताजी थे वो उस राज्य के जो राजा थे भीष्म का, तो विट्ठल भगवान श्री कृष्ण इनका जो इनके पहला जो विवाह हुआ भगवान कृष्ण का, वो रुक्मिणी देवी के साथ साथ हुआ। तो रुक्मिणी देवी उनकी सबसे प्रमुख पटरानी थी। तो रुक्मिणी देवी जो है मान लीला में रुक्मिणी देवी छोड़कर महाराष्ट्र में आई और डिंडीर वन नाम के एक वन में वो तपस्या करने लगी रूझ कर। भगवान श्री कृष्ण सोचे, अरे रुक्मिणी देवी दिख नहीं रही द्वारका में, कहाँ गई, रूठ गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते डिंडीर वन आए। अब ये डिंडीर वन जो नाम है ये कहाँ से पड़ा, डिंडीर वन का ये क्या विशेषता है। बहुत अनादिकाल की बात, पहले की बात है, डिंडीर वन उस क्षेत्र में, पहले उसका नाम डिंडीर वन नहीं था, उस क्षेत्र में एक राक्षस था, असुर था, जिसका नाम था डिंडीर असुर, जिसने सारे पृथ्वी के लोगों को और सारे देवताओं के नाक में दम कर दिया था अपने आक्रोश से। तो उसका वध करने के लिए भगवान कृष्ण वो मल्लिकार्जुन के रूप में इस क्षेत्र के आसपास पैदा हुए एक बड़े पुण्यशाली राजा के घर पर, और आगे चल के मल्लिकार्जुन इस वन में आए और उनसे उनका डिंडीर असुर से उनका सामना हुआ, और उस सामने घनघोर सामना में मल्लिकार्जुन भगवान ने डिंडीर असुर का वध कर दिया।
तब डिंडी रसूल को पता चला कि ये जो मारने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान स्वयं है। तो मरते मरते उसने एक वचन मांग लिया भगवान से कि ये जहाँ जगह मैं रहता हूँ ये जगह पवित्र हो जाए, आपके दर्शन के आपके आपके चरण कमल यहाँ पड़ गए इसलिए पवित्र होना चाहिए, एक तीर्थ वन होना चाहिए, और इस वन का नाम अगर आप मेरे नाम के पीछे रख देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा करके डिंडीर ने अपना प्राण त्याग कर दिया और उसके बाद इस क्षेत्र का नाम पड़ा डिंडीर वन। तो रुक्मिणी देवी डिंडीर वन में आकर जो है तपस्या कर रही थी। इस बीच में एक बड़ी कथा हो गई है, वो है पुंडलिक महाराज की कथा। मुचुकुंद महाराज जब पुंडलिक बने अपने अगले जीवन में, बचपन से उन्हें भक्ति में बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बड़ा अचंभित था, अचंभित बात है, लेकिन ऐसी लीला भगवान ने रची है ताकि वो एक्साइटिंग आगे हो। तो पुंडलिक के पिता माता जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान नारायण के, लेकिन वो खुद बच्चा भगवान का भक्त नहीं था। तो माता पिता वृद्ध हो रहे थे, जितना पुंडलिक बड़ा होते गया उतना वो बहुत क्रूर, बहुत एक तरह से सब बुरी चीज़ों में फंसा हुआ व्यक्ति, कुछ काम काज नहीं करता था, कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण की उन्होंने, एक तरह से कुछ काम का नहीं, निकम्मा व्यक्ति बन गया हूँ। तो माता पिता बड़े परेशान थे, इतने बड़े भक्त माता पिता थे लेकिन बच्चा ऐसा निकम्मा बन गया। तो उन्होंने एक बार सोचा कि चलो इसका विवाह कर देते, शायद विवाह होने के बाद ये थोड़ा सुधर जाएगा। तो पुंडलिक का विवाह कर दिया, पुंडलिक का विवाह किया, लेकिन फिर क्या हुआ, पुंडलिक के विवाह के बाद तो और निकम्मा बन गया, वो बड़ा परेशान करने लगा। तो ऐसे कहा गया है कि उनके सारे जो प्लान्स फेल हो गए। तो माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि अभी अंतिम दिनों में क्या रहना यहाँ पर, चलो कहीं तीर्थ यात्रा के निकल जाते हैं, काशी प्रयाग जाते हैं, वहीं पर रह के अपना प्राण त्याग कर देंगे, हो गया, आध्यात्मिक जीवन भी हो जाएगा और ये सब कहाँ संसार में उलझना है। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र तेरे आपके पास घोड़ा है, तू घोड़े पे हमें लेके जा काशी। तो ऐसे कहा गया कि पुंडलिक बड़ा गुस्सा हो गया, वो उसने बहुत डांटा अपने माता पिता को। तो माता पिता ने कहा ठीक है हम चल के जाते हैं, चल के निकल के काशी के लिए, तो भी नहीं वापस नहीं आना था कभी उनको घर पे अपना, निकल गया अपने काशी के लिए। यहाँ पर घर पे थे पुंडलिक जी अपने परिवार के साथ में, और एक बार अपने मित्रों के मिलने गए, हंसी मजाक वहाँ पर हुई, और मित्रों से बात करते करते कहा कि मेरे माता पिता काशी गए। तो मित्रों ने कहा चलो हम भी घूम के आते काशी। तो मित्रों के साथ में घोड़ा लेके अलग अलग लोग काशी घूमने चले गए। देखिए काशी माता पिता ने बुलाया तब गए नहीं, तीर्थ यात्रा में घूमने के लिए निकल गए। तो घोड़े पे जा रहे थे घूमते घूमते तो काशी पहुँच ही रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि उनके माता पिता भी रास्ते में चल रहे थे। लेकिन देखो कितनी बड़ी उनकी गर्व, कितने गर्व थे उनका कि उन्होंने माता पिता को घोड़े पे नहीं रखा, बुलाया नहीं, उनको देखकर छोड़ दिया और आगे चले गए, घोड़े से आगे चले गए और पहले काशी पहुँच गए। काशी पहुँच रहे थे, अंधेरा हो गया था, काशी के जस्ट बाहर एक आश्रम दिखा पुंडलिक को, तो वहाँ जाके वो उस आश्रम में वो रह गए। वहाँ पर ये जो आश्रम था वो ककुट मुनि का आश्रम था। ककुट मुनि बहुत बड़े एक महान संत है, महान ऋषि मुनि है। तो उनके उनकी आज्ञा लेकर वहाँ रह गए, वो ठीक है आप यात्री हैं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइए अपने आगे की यात्रा में। तो रात को रुक गए सब पूरा आश्रम सो गया, ये भी सो गया। अचानक रात को उसे कुछ तो ध्वनि की आवाज़ आई, पुंडलिक उड़ गया। उसने अपने खिड़की से देखा तो देखा कि तीन माताएं जो है वो वहाँ पर आई थी। उनके शरीर थोड़े मैले थे, चेहरे भी काले हो गए थे और वस्त्र भी एकदम एक तरह से पुराना वस्त्र था। लेकिन वो तीनों भी क्या कर रही थी, वो सारे आश्रम को झाड़ू पोछा मार रही थी। थोड़ा आश्चर्य लगा उनको कि ये रात को क्यों झाड़ू पोछा मार रही है। और एक आश्चर्य चीज आगे हो गया, झाड़ू पोछा मारते मारते झाड़ू पोछा खत्म हो गया, पूरा क्षेत्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तो ये तीनों जो स्त्री थी महिलाएं थी, वो तीनों महिलाएं रूपवती बन गई,
उनके सारे आभूषण चमकने लगे, उनके शरीर के सारे वस्त्र चमकने लगे। तो बड़ा अद्भुत लगा कि ये कौन थी। पहले देखा कि इनके चेहरे एकदम मायूस थे और पूरी तरह से अलग कुरूप जैसा शरीर था इनका, अभी रूपपति बन गई। तो पुंडलिक बाहर गए और कहा कि आप कौन हैं, भले तो आप कुरूप थी, आप रूपपति बन गए, कौन है आप करके। तो तीनों ने कहा कि हम गंगा, जमुना, सरस्वती तीन नदियाँ हैं, हम प्रयाग से ककुट मुनि के पास आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम हमारे नदियों में बहुत सारे पापी लोग आते हैं और वो अपने पाप को यहाँ धो देते हैं, वो सारा पाप हमको लग जाता है, हमारा पूरा शरीर जो है कुरूप हो जाता है। तो हर हर दिन हम रात को यहाँ पर आते हैं और यहाँ का झाड़ू पोछा करते हैं। ये ककुट मुनि का जो आश्रम है इतना शुद्ध है, ये ककुट मुनि इतने शुद्ध भक्त हैं, इनकी सेवा करने मात्र से हमारा सारा पाप धुल जाता है। तो पुंडलिक ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बाप रे इतना पावर है भक्तों की सेवा में। और गंगा, जमुना, सरस्वती ने एक बाद में कहा, लेकिन ये सब चीज़ आप नहीं समझोगे पुंडलिक जी, क्योंकि आप तो अपने माता पिता जो इतने बड़े भक्त हैं उनका इतना अनादर करते हैं और उनको इतना तकलीफ़ आपने दिया किया आपने दिया है, ये सब चीज़ आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है, आपका कुछ काम धंधा नहीं है, आपका कुछ आध्यात्मिक कनेक्शन ही नहीं है, ऐसे बोल के वो अंतर्धान हो गए। पुंडलिक ने ये इतना सुंदर उदाहरण देखा, फिर उसके बाद सोचा कि अरे इन्होंने कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे कुछ काम का नहीं, क्योंकि मैं तो भक्तों का अपराध कर रहा हूँ। तभी उनके मन में पश्चाताप हो गया और उन्होंने विचार कर लिया कि मेरे माता पिता इतने अच्छे भक्त हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो पुंडलिक फिर माता पिता से मिले अगले दिन, माता पिता की बहुत सेवा की, तीर्थ यात्रा कराई, फिर घर में आए और घर में भी सुंदर से सेवा कर रहे थे उनका, सब जो भी उनका कार्य है, वृद्ध हो गए तो उनके पैर दबाना, उनको अलग अलग प्रकार के चीज़ों को देना उनके उनके पर्सनल कन्वीनियंस के लिए, ऐसे कहा गया कि ये सेवा करते करते पुंडलिक जी महान भक्त बन गए, भक्तों की सेवा करते हुए भक्त बन गए वो। इसी बीच में जब कृष्ण भगवान अभी दिंडीरवन आए रुक्मिणी देवी को, रुक्मिणी देवी को मनाने के लिए, रुक्मिणी देवी बिल्कुल नहीं मानी। तो कृष्ण ने कहा शायद थोड़ा समय देना पड़ेगा मुझे रुक्मिणी को, फिर मान जाएगी। तो भगवान ने सोचा कि मैं इधर ही हूँ, चलो मेरा भक्त पुंडलिक बगल में रहता है तो उसी को मैं मिल के आ जाता हूँ। तो जब मिलने गए तभी शाम का समय था और पुंडलिक के माता पिता जो है वो, ये डिंडीरविन मंदिर है जो रुक्मिणी देवी जहाँ पर तपस्या कर रही थी, और ये स्थान है जहाँ पर हम देख रहे पुंडलिक जी अपने दोनों माता पिता जो आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, उनके चरण को दबा रहा है। और भगवान भगवान कृष्ण पुंडलिक जो पिछले जीवन मुचुकुंद थे, उनको बोला था मैं आऊँगा करके, तो उनको मिलने वहाँ पहुँच गए, पहुँचे घर पे पहुँचे, दरवाजे पे खड़े हो गए, खटखटाया और कहा पुंडलिक मैं आ गया हूँ। पुंडलिक तो पड़ा प्रेम से भगवान भक्तों का सेवा कर रहे थे माता पिता का, देखे नहीं पुंडलिक की, फिर से बुलाया पुंडलिक मैं आ गया हूँ, आपका भगवान आ गया हूँ। पुंडलिक देखा पीछे मुड़कर, देखा कि दीप्यमान पूरा जो उनका रूम है, जो उनकी घर था, पूरा प्रकाशित हो गया था। देखा तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए कृष्ण। तो वो बोले कि भगवान थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि मैं आपके भक्त जो है, मेरे माता पिता अभी वो आराम कर रहे, अभी मैं पैर दबाऊंगा तो अच्छे से आराम हो जाएगा उनको, अगर नहीं दबाऊंगा तो फिर उठ जाएंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए मैं आता हूँ। और वो पैर दबा रहे थे, थोड़ा करते करते तो काफ़ी समय बीत गया। तो भगवान ने कहा अरे कब तक वेट करूँ मैं। तो पुंडलिक ने कहा 2 मिनट वेट कीजिए, लेकिन क्योंकि आप आए, आप अतिथि हैं, आपका थोड़ा स्वागत करना चाहिए। तो उसने देखा कि पुंडलिक ने आसपास ज़मीन पर एक ईंट पड़ी थी, उस ईंट को फेंक दिया भगवान की तरफ पैरों के इधर और कहा आप इस ईंट पे खड़े हो जाइए। तो भगवान उस ईंट पे खड़े हो गए, दोनों अपने बाजू पर अपना उन्होंने करकटा वरी ठेवनिया, उन्होंने अपने हिप्स के ऊपर दोनों अपने हाथ रख लिए और ऐसे कहा गया कि भगवान वहाँ खड़े हो गए और भगवान उनकी प्रतीक्षा करने लगे। तो भगवान अपने माता पिता का सेवा करने के बाद
मुचुकुंद जी पुंडलिक जी आ गए भगवान को मिलने के लिए। भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान बड़े खुश हो गए कि आप इतनी अच्छा सेवा करें मेरे भक्तों का, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ मैं वरदान दूँ आपकी सेवा के लिए। तो पुंडलिक ने उसे मांग लिया कि मैं चाहता हूँ कि आप, मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो एक तरह से लेन देन का व्यापार हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका ये सुंदर इतना रूप है कि आप ऐसे खड़े हुए बस मुस्कुराते हुए, बस यहीं पर रह जाइए आप, मुझे यही देखना है आपका ये रूप। तो भगवान उसी तरह से मूर्तिमान हो गए और उस ईंट पर भगवान खड़े हो गए, दोनों हाथ ऐसे रखे हुए। रुक्मिणी देवी सोच रही थी उस मन में डिंडीर वन में कि मेरे पति कृष्ण आके गए, मुझे बहुत मनाया लेकिन मानी नहीं मैं, तो उनके मन में विचार आया कि चलो जाना चाहिए देखना चाहिए। तो गई, वो भी देखा भगवान उनके पति ऐसे खड़े हो गए ईंट के पर, तो बगल में वो भी खड़ी हो गई उसी रूप में उसी वेशभूषा में, और ऐसे कहा गया कि वो भी वैसे खड़े हो गए। तो आज पंडरपुर में आपको ये सुंदर दर्शन मिलेगा, भगवान विट्ठल खड़े हुए हैं और यहाँ पर श्रीमती रुक्मिणी देवी भी खड़ी हुई है। अन्यथा रुक्मिणी देवी और विट्ठल लक्ष्मी नारायण हमेशा साथ में होते हैं, यहाँ पर अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रुक्मिणी देवी जो है मान लीला करके आई थी भगवान से रूट कर, तो इसीलिए उस लीला को प्रकट करने के लिए भगवान का जो मंदिर है उसमें जो जगह है, भगवान विट्ठल एक जगह पर है और उसके बगल में ही रुक्मिणी देवी अलग एक क्षेत्र में, अलग एक क्या कहते हैं आपके रूम में, एक अलग मंदिर उनका है। तो अलग अलग इसलिए कहा किया गया कि लीला के हिसाब से भगवान अलग अलग है। और यहाँ पर विट्ठल भगवान खड़े हुए अपने भक्तों का जो है भक्तों की राह देख रहे, भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो पुंडलिक महाराज की कृपा से भगवान अभी भी वहाँ खड़े हुए हैं। और ऐसे कहा गया है कि भगवान कह रहे सबको, सारे भक्तों को, कि ये जो भवसागर है, जन्म मृत्यु का सागर है, इसको पार करना है आपको, तब जाके आप मेरे धाम आओगे, आध्यात्मिक जगत आए आप आ सकते हो। लेकिन इस भव सागर को पार कैसे करेंगे, हम तो डूब जाएंगे सागर में, और इसको साधारण सागर नहीं, ये भव सागर है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप मेरे दर्शन के लिए आइए, मैं आप एक गारंटी देता हूँ आपको कि जो भव सागर इतना बड़ा है, विशाल है, इतना गहराई में है, वो भव सागर का पानी इतना हो जाएगा, बस इतना पानी हो जाएगा, और इस पानी में तो आप आराम से चल के निकल जाएंगे। तो भगवान इस तरह से हमें सांत्वना दे रहे कि आप अगर मेरे दर्शन के लिए आएंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरे नामों का उच्चारण करेंगे, तो भव सागर आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की कितनी कृपा है भक्तों के लिए कि वो इस सुंदर रूप में यहाँ पर उपस्थित है। ये पुंडलिक की समाधि भी है वहाँ पर पंडरपुर में, जहाँ पर पुंडलिक अभी विद्यमान है अपने दिव्य शरीर में। तो वहाँ का एक पंडरपुर की महात्मा है कि सबसे पहले दर्शन जो है पुंडलिक का होना चाहिए, तब जाके आप दर्शन भगवान विट्ठल और रुक्मिणी का कर सकते हैं, ये प्रथा है वहाँ की। चंद्रभागा के तट पर पुंडलिक का सुंदर मंदिर है, श्री पुंडलिका भेटी परब्रह्म आलेगा, सुंदर भजन है मराठी में ये पुंडलिक का मंदिर। और उसी बगल में चंद्रभागा देवी का भी छोटा एक मंदिर है चंद्रभागा। ये चंद्रभागा की विशेष कहानी है, ऐसा कहा गया है कि ये चंद्रभागा का प्रकट्य का कथा क्या है, कैसे प्रकट हुई चंद्रभागा। चंद्रभागा का आद्य नाम है भीमा नदी, तो भीमा नदी कैसे प्रकट हुई, ऐसे कहा गया कि त्रिपुरासुर नामक जो असुर था जिसने सारे देवताओं के नाक में दम कर दिया है, उस असुर के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव जी ने, ऐसा कहा गया कि जब उनको युद्ध करके परास्त किया, उस युद्ध में भगवान शिव उस इतने भयंकर युद्ध में उनके शरीर से इतना दिव्य पसीना निकला, वो पसीना जो निकला उनके शरीर से उसका पूरा प्रभाव एक नदी के रूप में हो गया, और वो नदी बहते हुए जा रही थी, उस नदी का नाम पड़ा भीमा। तो ये भीमा नदी जो है वो सोच रही थी कि मैं पृथ्वी पर पहुंच गई हूँ, भगवान शिव जी के शरीर से मेरा उगम हुआ है, अभी मुझे जाना है आगे, और
क्यों नहीं मैं अपने प्रभाव को लेके जाओ कहाँ पर, पंढरपुर में, और विट्ठल का मैं दर्शन कर लूँ। तो इसी इच्छा से भीमा नदी जो है पंढरपुर की तरह बहने लगी, पंढरपुर की तरफ। लेकिन इतनी बड़ी नदी थी, सोचिए शिव जी का पसीना है, कितना पावरफुल पसीना होगा, कितना जलाशय कितना होगा, और इतने जलाशय में इतना स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, कि इतना फास्ट चल रही थी नदी वो, कि सारे पंढरपुर में जो निवासी थे वो डर गए कि ये क्या, इतना बड़ा प्रलय आ रहा है, कौन सी नदी आ रही है। तो जैसे हर धाम में एक क्षेत्रपाल जी होते हैं, तो पंढरपुर के क्षेत्रपाल जी भैरव है, भगवान शिव जी का ही अवतार है। सारे धामवासी पंढरपुर की प्रार्थना करने लगे, बड़ा प्रलय आ रहा है, नदी आ रही है, नदी से हमारा पूरा जो है सब कुछ डूब जाएगा, कुछ कीजिए। तो भैरव जी बड़े क्रोधित हुए और प्रकट होके अपना जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र करके लेके सामने भीमा नदी के प्रकट हो गए। मानो भीमा नदी को अभी तोड़ तोड़ कर पूरी तरह समाप्त करने वाले। भीमा ने देखा कि इतना बड़ा विशाल शरीर, वही शिव जी जिन्होंने मुझे प्रकट किया, वही मेरा उद्ध्वंस करने वाले हैं। तो बड़ा उनको दुख लगा। उन्होंने विट्ठल को मन ही मन प्रार्थना किया कि मैं तो आपके दर्शन के लिए आई हूँ, आप मुझे उद्ध्वंस क्यों करा रहे हैं, मेरा नाश क्यों कर रहे हैं। तो भगवान विट्ठल बड़े प्रसन्न होकर कहे कि देखो आप आइए यहाँ पर, लेकिन आपका जो शोर बड़ा मजबूत शोर है वो होना नहीं चाहिए। तो आप जब यहाँ से जा रही हो इस तरह से जाइए कि क्षमा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, लेकिन आधी परिक्रमा कीजिए। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो कैसे होना चाहिए, यहाँ से जब निकलेगी आप तो बिना शोर के आपको निकलना है। तो इस तरह से भीमा नदी जब आई पंढरपुर में, तो ऐसे कहा गया है कि वो अर्धचंद्र के रूप में जो प्रभावित हुई, आधी परिक्रमा करके प्रभावित होकर आगे निकलती है। इसलिए चंद्र भागा, भागा यानी भाग पार्ट, चंद्र जैसा उनका भाग है, इसलिए इस जगह पर पंढरपुर में उनका नाम है चंद्रभागा। और इस तरह से चंद्रभागा नदी आगे बढ़ती है। तो हम देखते हैं कैसे इस सुंदर से इस क्षेत्र में भगवान विट्ठल प्रकट हुए, विट्ठल के साथ में उनके सारे अनुचर वहाँ प्रकट हो गए, हैं कि नहीं। चंद्रभागा नदी आ गई वहाँ पर, पुंडलिक महाराज का स्थान है। और इस विट्ठल के दर्शन मात्र के लिए करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। लगभग ऐसे कहा गया है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन एक झलक मिलने के लिए बड़ी लाइन लगती है। कभी कभी लोग आते हैं वो दो दिन खड़े रहते हैं लाइन में, फिर भी शायद उनको मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं होता है। ऐसे इस रूप मनोहर भगवान विट्ठल का जो सुंदर दर्शन पाने के लिए लोग लालायित होते हैं। आइए हम देखते हैं एक सुंदर चलचित्र, एक वीडियो, कैसे भगवान का सुंदर अभिषेक हो रहा है। और इस अभिषेक के द्वारा हम देखते कैसे भगवान के शरीर में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वस्तुओं का अभिषेक होता है, और सुंदर से भगवान जो हर दिन सुबह प्रातः काल में सबको प्रसन्न करते हैं अपने इस दर्शन के द्वारा। हरे कृष्ण। या अभ्यंग स्नानाचा सुगंध आणि या सुगंधामध्ये पवित्र असे म्हटले जाणारे वैदिक मंत्र यामुळे अत्यंत प्रसन्नता निर्माण झालेली आहे। अभ्यंग लावून झाल्यानंतर गरम पाण्याने पुन्हा देवाला स्नान घातलं जात आहे। जणू गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, चंद्रभागा इत्यादी सर्व नद्या भगवंताला स्पर्श करण्यासाठी आतुर झालेले आहे। तो आपने देखा सुंदर अभिषेक भगवान का। अभी हमने भगवान विठ्ठल की चर्चा की, पुंडलिक के बारे में चर्चा हो गई, रुक्मिणी देवी कैसे डिंडीरवन में आई,
और कैसे वो भी यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गई। चंद्रभागा नदी के बारे में हमें सुन लिया। आइए हम अभी संत महात्माओं के बारे में सुनते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य में जो जन्म लिया लेकिन भगवान विट्ठल की इतनी सुंदर भक्ति करके सबको एक उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने सबके लिए स्थापित किया। सारे संतों के श्रेणी में तुकाराम महाराज का नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम महाराष्ट्र में है। तुकाराम महाराज उनका जन्म देहू गांव में हुआ। देहू जो 300-400 किलोमीटर दूर है पंढरपुर से, पूना के नज़दीक है। तो तुकाराम महाराज का जीवन तो एक अलग ही चरित्र है जो आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बहुत से कथाएं देहू की हैं। वहाँ पर सुंदर नदी बहती है, वहाँ पर इंद्रायणी नदी। ऐसा कहा गया कि तुकाराम महाराज बिना भूले प्रत्येक वर्ष चलते हुए देहू से वो पंढरपुर जाते थे। उसी की याददाश्त में आज भी पंढरपुर के लिए देहू से पालकी निकलती है तुकाराम महाराज की, सारे भक्त जाते हैं। तो तुकाराम महाराज हर साल जाते थे। एक ऐसा साल आया जब तुकाराम महाराज वृद्ध होने के कारण बीमार गिर गए तो वो जा नहीं पाए। उनकी बड़ी इच्छा थी लेकिन जा ही नहीं पाए, तो बड़ा बुरा लगा उनको। तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। तो भगवान को लगा कि देखो मैं भी यहाँ खड़ा हूँ अपने भक्तों के दर्शन, मुझे भी लेना है अपने भक्तों का दर्शन, उनका संग लेना है। तुकाराम महाराज यहाँ पर नहीं आए तो क्या करना चाहिए, चलो मैं ही जाके मिल के आता हूँ। तो उन्होंने ये विचार सुनाया रुक्मिणी देवी को। रुक्मिणी देवी ने कहा कि आज आषाढ़ी एकादशी, आज के दिन आप जाएंगे तो आपके भक्त यहाँ वेट करें, उनको दर्शन कौन देगा। तो विट्ठल ने कहा ये भी सही है, यहाँ से निकल जाऊँगा तो यहाँ जो आए दर्शन के लिए उनको दर्शन मिलेगा नहीं, यहाँ का दर्शन भी बहुत कठिन है, लोगों को सिर्फ एक पल का दर्शन मिलता है यहाँ पर, क्या करना चाहिए। तो भगवान विचार कर रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो भगवान ने फिर ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है, कथा को मैं छोटा संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि कुछ कारणवश वो वहाँ का दर्शन का जो काउंटर या लाइन जो कुछ कारणवश रुक गया, जो कुछ कारणवश मंदिर को, मंदिर के सारी गतिविधियों को रोकना पड़ा। उस थोड़े क्षण में भगवान विट्ठल वहाँ से निकले, गरुड़ पर बैठकर पहुँचे देहू में। भगवान ने तुकाराम महाराज को दर्शन दिया, तुकाराम महाराज बड़े पुलकित गदगद हो गए और बाद में फिर से विट्ठल जी पंढरपुर पहुँच गए। तो तुकाराम महाराज के अनेक कथाएँ, एक उनकी कथा है सबसे स्पेशल उनकी कथा है कि वो हर कथा में हम देखते हैं कि वो उनका जो भक्ति था बड़ा प्योर भक्ति था, शुद्ध भक्ति था। उनको भगवान से कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं था, कुछ मांगना तो दूर की बात है, भगवान बस आप, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यही मेरा जो है क्या कहते हैं, वही मेरा वेतन है, वही मेरा साधन है आपके लिए। तो एक बार तुकाराम महाराज अपने घर में गए तो प्रवेश करने के बाद तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी जीजाई, उन्होंने देखा कि जीजाई कुछ पूजा कर रही है। तो उन्होंने पूछा किसकी पूजा कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैं रुक्मिणी देवी की पूजा कर रही हूँ, लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। अच्छा किस लिए, बोले हम इतने गरीब हैं, आपको भिक्षा मांगना पड़ता है, लक्ष्मी पूजा करूँगी तो पैसा मिलेगा, पैसा होगा सब अच्छा हो जाए, बच्चे भी खुश रहेंगे, सारा संसार ठीक हो जाएगा हमारा घर परिवार। तो तुकाराम महाराज को अच्छा लगा नहीं। तुकाराम महाराज ने कहा कि हमें ये सब की आवश्यकता नहीं, विट्ठल जी है हमारे साथ में, विट्ठल जो चाहेंगे हमें देंगे, जो आवश्यक है मिलेगा। तो बहुत मनाया उन्होंने अपनी पत्नी को कि ये मत कीजिए, क्योंकि ये भक्ति नहीं है, भक्ति में शुद्धता होनी चाहिए, अन्यथा ये जो है आप भक्ति दिखा रही है लेकिन कुछ आप अपेक्षा कर रही हो। तो वो पत्नी मानी नहीं, पत्नी बोल रही थी तुकाराम महाराज को देखो आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, मैं उनकी पत्नी की भक्ति कर रही हूँ, क्या बदला, क्या फ़र्क है, आप उनकी, आप पति की भक्ति या पत्नी की भक्ति कर रही हो, एक ही तो हो गया। तुकाराम महाराज ने समझाया, समझ नहीं पाई। तो ऐसे कहा गया है कि उन्होंने अपना लक्ष्मी पूजा कंटिन्यू रखा, तुकाराम महाराज को अच्छा लगा नहीं। तो इस लक्ष्मी पूजा के द्वारा घर में कुछ तो लाभ हुआ जीजाई को, और उस लाभ से वो बड़ी खुश हो गई। उन्होंने अपने जो भी गहने गिरवी थे वो सब वापस मंगवा लिए और उस दिन एक पंच पकवान बना दिया घर पे। तुकाराम महाराज आए अपनी भिक्षा मांग के, देखा तो इतना घर में सब सुशोभित हो गया, इतना अच्छा पकवान है, कहाँ से आया पकवान है सब।
तो कहा लक्ष्मी देवी की पूजा की मैंने, तो प्रकट हो गई वो, और उन्होंने ये सब हमारे हमारे सब साधन जोड़ दिए। तो तुकाराम महाराज ने कहा मैं एक अन्न बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये अन्न आपने भक्ति से नहीं, आपने जो कुछ कामना की, इसलिए मैं इस घर में भी रहूंगा नहीं, मुझे इस घर में रहने के लिए एक अलग वातावरण यहाँ पे लग रहा है। तो घर छोड़कर अन्न ग्रहण करते हुए वो बाहर निकल गए, कहाँ गए किसको पता नहीं। तो पत्नी को लगा आ जाएंगे, सुबह गए शाम को आ जाएंगे, शाम तक नहीं आए, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया आए नहीं। पत्नी परेशान हो गई बहुत, क्या करना चाहिए। पंडर देहू गांव में ढूंढ लिया, यहाँ वहाँ, कहीं मिले नहीं। एक महीना हो गया तुकाराम महाराज आए नहीं, अब क्या करना है। किसी ने कहा तुकाराम महाराज शायद पंडरपुर गए होंगे। तो माता जी पंडरपुर पहुँच गए चलते हुए। पंडरपुर जाके सब संत महात्मा साधु से पूछा आपने तुकाराम महाराज को देखा। बोले यहाँ तो देखा नहीं, पिछले एक दो महीने से तो आए नहीं कभी यहाँ पर। अच्छा एक दो महीने से नहीं आए तो कहाँ गए, कहाँ पर। सारा पंडरपुर ढूंढ लिया, फिर क्या करना है सोची, रात भर रात हो गया क्या करूँ। तो रात में भगवान के मंदिर में सो जाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे पति को ढूंढ के निकालिए, आपका ही भक्त है वो। तो रात को सोई थी तो भगवान विट्ठल उनके सपने में आके बोले कि आपका पति तो देहू गाँव में ही है, वहाँ एक पर्वत है, उस पर्वत पर बैठ कर मेरा भजन कर रहा है, जाओ वहीं जाके मिल लो और जाते जाओ कुछ ले के जाओ खाने के लिए उसके लिए। तो फिर से वो पंडरपुर से देहू आई, फिर जहाँ बताया था उस स्थान में पहुँच गई और देखा था कि एक डेढ़ महीने से कुछ खाया नहीं है। तो क्या हो गया था, शरीर पूरा दुर्बल हो गया था, तुकाराम महाराज के दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गई थी, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी भक्ति में भजन की, अभंग की आवाज़, वो उतनी सुरीली थी मानो कोई शरीर का कोई चीज़ उन्हें आध्यात्मिक रूप से उनको अफेक्ट नहीं किया था। तो पत्नी को देखा, उन्होंने कहा कि आप क्यों आए हो, मैं तो संसार का त्याग कर दिया है कि ये आप अलग अलग रूप से भक्ति छोड़कर बाकी सब कर रही हो, तो अभी आप उसी में आप सब चीज़ों में लग जाइए। तो पत्नी रोने लगी और कहा कि आप नहीं आओगे तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन देख रेख करेगा। तो एक व्यंग कसते हुए तुकाराम महाराज ने कहा लक्ष्मी देवी देख लेगी, आपको सब संभाल लेगी। तो उन्होंने कहा कि फिर पत्नी ने कहा नहीं, मुझे लक्ष्मी देवी नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आप चाहती हूँ कि मैं घर पे आऊँ तो आप क्या कीजिए, जो धन आपको मिला है वो धन को सब बांट दीजिए, हम सुख है, परिवार हमारा सुखी है, जो भगवान विट्ठल देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। तो बड़े कठोर हृदय से उन्होंने जाके सारा जो सामग्री उसे मिला था वो सबको उन्होंने जो है दान कर दिया। तो ऐसे कहा गया कि भगवान कृष्ण भगवान विट्ठल ने इस तरह से जीजाई, जो भगवान के भक्ति में ज़्यादा इनको इंटरेस्ट इतना नहीं था, लेकिन तुकाराम महाराज की कृपा से उनको बहुत बार दर्शन मिले। और तुकाराम महाराज की यह पूर्णतः भक्ति पर हमें देखते हैं कि इतना उनका विश्वास था कि भगवान की भक्ति हम करेंगे सब कुछ भगवान हमारा देख लेंगे। तो तुकाराम महाराज की कथा यह है। उसी तरह और बहुत सारे संत महात्माओं की कथा है। एक बड़े संत जो पंडरपुर से कुछ दूर एक जगह रहते हैं जिनका नाम था नामदेव महाराज। ऐसे कहा गया कि नामदेव महाराज जो थे वो इतने उत्कृष्ट भक्त, ये नामदेव महाराज तुकाराम महाराज के काफ़ी पहले आके गए। वो नामदेव महाराज इतने महान भक्त थे कि वो अभंग गाते थे भजन, और ऐसा कहते हैं कि भगवान आके उस अभंग को लिखते थे, इतना अच्छा अभंग गा रहे तो लिख के देते थे उनको। ये नामदेव महाराज और भगवान विट्ठल का सुंदर आदान प्रदान था। उसके बाद ऐसा कहा गया है कि नामदेव महाराज की अनेक विशेषता है कि नामदेव महाराज इतने बड़े भक्त थे कि महाराष्ट्र में सारे जगह पर उनके नाम का उनके गुणगान का प्रचार हुआ था, उनके गुण का प्रचार पंजाब तक चले गया था। और ऐसे कहा गया है, भक्त बताते हैं पंडरपुर के भक्त, कि पंजाब में ग्रंथ साहिब कनेक्टेड सारे किताबों में उनका वर्णन भी आता है नामदेव महाराज का। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि नामदेव ऐसे भक्त जो महाराष्ट्र में थे पंजाब में भी उनकी ख्याति आगे बढ़ी। तो ऐसे कहा गया है कि ये नामदेव महाराज के घर पे उनके परिवार रहते थे और उनकी एक दासी थी जिनका नाम था जनाबाई।
ये जनाभाई का सुंदर कथा है। जनाभाई इनका जन्म परभणी में हुआ था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे लेकिन बहुत अच्छे भक्त थे पंडरपुर विट्ठल के, और हर साल वारी चलते चलते वो आषाढ़ी के दिन भगवान का दर्शन करने आते थे। तो भगवान की कृपा से उनको जनाभाई के रूप में उनका जो है उनको पुत्री प्राप्त हुई। तो दस जब पुत्री जब पैदा हुई तो भगवान उनके उनके सपने में आके उनको कहे माता पिता को कि जो आपकी लड़की है बहुत विशेष है, ये पिछले जीवन में द्वापर युग में कुब्जा थी और इसे मैंने बहुत कृपा दी थी, अभी इस कृपा को आगे बढ़ाते हुए आपके घर में पैदा हुई है, 10 साल के बाद आप इसको जो है इस पुत्री को आपके नामदेव महाराज के घर में जाके सौंप दीजिए और कहिए कि भगवान विट्ठल चाहते हैं कि जनाभाई नामदेव महाराज के घर में दासी के रूप में रहे, उनकी सेवा करें। तो जैसा हुआ वैसे उन्होंने किया। बड़ा बुरा लगा उनको कि इतनी सुंदर इतने भक्ति में पुत्री थी, लेकिन उनको पता था कि विट्ठल का ये कृपा है, एक तरह से उनको सेवा मिली है। तो जनाभाई बचपन से 10 साल की उम्र से नामदेव महाराज के घर पर वो रहती थी, और किसी ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो बोलते थे मैं नामदेव की दासी हूँ। तो नामदेव महाराज के रूप में घर पे वो थी, और उसका भी बहुत बड़ा एक विशेष स्थान है भक्तिमय संतों के बीच में। नामदेव महाराज का नाम है, जनाभाई का भी नाम है, इतनी बड़ी संत थी, महात्मा थी वो। तो कुछ कहानी बताता हूँ आपको मैं उनके बारे में भी। ऐसा कहा गया है कि जनाभाई रोज जो है वो धान्य जो था उनको उनका वो पीसती थी उनको। तो पीसते वक्त वो इतना सुंदर से भगवान को भगवान के गुण को गाती थी कि कभी कभी भगवान वहाँ आते थे सुनते हुए, इतना सुंदर गा रही है, और भगवान बैठ जाते थे और भगवान कहते कि तुम सेवा कर रही हो मुझे भी सेवा में लगाइए। तो भगवान एक तरफ और जनाबा एक तरफ, और वो पूरा ऐसे वो पूरा उनका डड़न करते थे या फिर वो धान्य को वो इस तरह से उसका आटा बनाते थे। तो आज भी पंडरपुर के बगल में जो गांव है उस गांव में आज भी वो चक्की है पत्थर की, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने खुद उस चक्की से जो आटा पीसा था जनाभाई के साथ में। ये सुंदर कहानी आती है। ऐसा कहा गया कि जनाभाई देवी जो है वो गोबर के कंडे बनाती थी, उस गोबर के कंडे में से भी हरिनाम आता था। इतना पावरफुल उनका भक्ति था कि एक निर्जीव वस्तु है वो भी भगवान का नाम लेता था उनके स्पर्श मात्र से। तो इस तरह से जनाभाई का बहुत सारा जो है कथा विशेष करके बताया गया है कि जनाभाई एक बार ऐसा हो गया कि जनाभाई के ऊपर एक आरोप लगाया गया, कहानी को छोटा बनाते हुए एक आरोप लग गया कि इन्होंने भगवान का वस्त्र चुराया है। हुआ ऐसे कि भगवान उनसे मिलने आए और भगवान का वस्त्र वहीं छूट गया और भगवान चले गए। तो मंदिर में देखा अरे वस्त्र नहीं, कहाँ भगवान का वस्त्र किसने चुरा लिया। तो किसी ने पता लगा तो कि बगल के गांव में एक लड़की है उसके पास ये वस्त्र मिला। तो सारे वहाँ के जो पुलिस वाले आ गए और उन्होंने अरेस्ट कर लिया जनाभाई को, कहा कि तुम चोर हो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, और दंडित करने के लिए कहा कि ये भगवान का इतना बड़ा चोरी कर लिया तो भगवान का चोरी करने के लिए क्या करना चाहिए, इसे सूली पर चढ़ना चाहिए, सूली चांगा पर चढ़ाना चाहिए। वो सारे जो तलवार या भाले सब लेके आगे ऐसे रख दिए और ऊपर से वो पेड़ से उनको डालने वाले थे। जैसे पेड़ से उनको डाल दिया जनाभाई तो पूरी तरह से भगवान के प्रति पूरे शरणागत थी। जैसे डाला गया जैसे वो स्पर्श किया सारा जो भाला जो था वो पूरा पानी पानी हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो कितने तीक्ष्ण शस्त्र है, इस पर तो व्यक्ति इसके स्पर्श मात्र से मरना चाहिए, तो लेकिन ये उल्टा हो गया, जनाभाई के स्पर्श से पानी पानी हो गया। और उतने भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए, विट्ठल प्रकट हुए, उन्होंने सब अस्त्र शस्त्र को पानी पानी कर दिया था। और जब प्रकट हुए किसी दिखाई नहीं दिए, सिर्फ जनाभाई को दिखाई दे रहे थे, लेकिन भगवान का जो सुगंध था शरीर का वो सब जगह फैल गया और सब वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनको पता चल गया कि यहाँ विट्ठल प्रकट हुए हैं। तो उनको पता चला कि हमारे हाथ से बड़ी भूल हुई है, सब दंडवत प्रणाम किया और तब से जनाभाई का नाम बहुत फेमस हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे जनाभाई देवी भी एक बड़ी संत है।
पंढरपुर के और एक दिशा में एक और एक गांव आता है जिसका नाम है मंगलवेड़ा। यह दामाजी पंत नाम एक संत का गांव है। उस गांव में ऐसा कहा जाता था कि दामाजी पंत और सारे भक्त हर साल चलते हुए पंढरपुर आते थे। तो उस गांव में एक वेश्या रहती थी। वो वेश्या राजा के लिए काम करती थी, अपना अलग अलग काम गांव में रखती थी। उस वेश्या को एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम उसने अपने पुत्री का रखा कान्हो पात्रा। तो कान्हो पात्रा क्योंकि वेश्या के घर में पैदा हुई थी तो ज़्यादा इतना मान सम्मान मिला नहीं उसे, लेकिन समाव कुछ भी कारण था कि वो देखती थी कि हर व्यक्ति जो है साल में चलते हुए कहीं तो जा रहा है। तो एक बार जो व्यक्ति चल के जा रहे थे उनसे पूछ लिया कि आप जा कहाँ रहे हो, तो बोला हम पंढरपुर जा रहे विट्ठल से मिलने के लिए। तो ऐसे कुछ वर्षों तक सुनते सुनते उसकी मन में बड़ी इच्छा हुई कि हम मैं भी जाती हूँ, इतने सारे गांव में लोग जाते हैं, पूरा गांव खाली हो जाता है मानो, तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी जाके आती हूँ मैं। तो एक बार सब जा रहे थे, सबसे पूछ लिया कि मैं भी आ जाऊँ क्या, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आना आ सकती हो लेकिन पीछे चलना क्योंकि तुम तो वैश्या के घर पैदा हुई हो। तो पीछे चलते चलते वो भक्तों के साथ में पंडरपुर पहुँच गई, लाइन में खड़ी हो गई, लाइन में सब दर्शन ले रहे हैं। सब मन में सोच रहे थे कि किसका दर्शन कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति कौन यहाँ पर है, किसके दर्शन के लिए इतना चल के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हुए लाइन देखा भगवान का सुंदर विग्रह, तो भगवान का विग्रह देख के बड़ा प्रसन्न हो गई वो। लेकिन मन में एक विचार आया कि मुझे जानना है कि सच में भगवान यहाँ खड़े हैं क्या नहीं है, वो टेस्ट करने की इच्छा हुई भगवान को। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे आप सबको पता है कि जब भगवान का दर्शन करते हैं पंढरपुर में तो आप जाके भगवान के चरणों को आप स्पर्श कर सकते हैं। ये ऐसा ही ये मंदिर ऐसा है कि इस मंदिर है अद्भुत कि इस मंदिर में आप डायरेक्टली जो भगवान का ऑल्टर है वहाँ जा सकते हैं और भगवान के चरण को स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि कुछ सालों पहले की बात है कि भगवान को आलिंगन भी कर सकते थे पहले, लेकिन फिर बाद में थोड़ा रूल चेंज हुआ, कोई तो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति निकला पागल, उसने भगवान को बहुत तकलीफ देने की कोशिश की, तब से फिर भगवान के चरण को स्पर्श करने का जो है अनुमति है। तो वो सोच रही थी कि भगवान के चरण को पकड़ती हुए और अच्छे से पकड़ के रखती हो कि भगवान आप सच में प्रकट होंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सच में वहाँ खड़े हैं क्या। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उनका टर्न आ गया तो उन्होंने भगवान के चरणों को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। आप किसी को पकड़ेंगे ज़ोर से तो व्यक्ति जो है आपसे थोड़ा विस्मित हो जाएगा कि ये व्यक्ति इतना क्यों पकड़ रहा है। यही हेतु था उसका, कान्हो पात्र का। तो उन्होंने भगवान को ज़ोर से पकड़ लिया, तो भगवान फिर पकड़े हुए भगवान भी हंसने लगे और कहा कान्हो पात्र आप मेरे टेस्ट कर रही हो, मैं तो यहाँ सामने खड़ा हूँ आपके। कान्हो पात्र ने ऊपर देखा, सच में भगवान को उन्होंने देखा हंसते हुए बात करते हुए। वो उस समय से उनके उनके पूरे हृदय का परिवर्तन हो गया, वो बहुत महान भक्त के रूप में जानी गई। ऐसा कहा गया कि वो उसने विचार कर लिया कान्हो पात्र ने कि मैं इस पंढरपुर को छोड़ के फिर से अपने गांव नहीं जाऊंगी। वो पंढरपुर में रहने लगी। कोई भक्त समझ के महान भक्त है, लेकिन बाकी सब लोग जो है उसका पुरातन या पुराना जीवन देखकर उस पर बहुत सारे आरोप लगाते थे और बहुत उनकी निंदा करते थे कि ये वेश्या के घर की लड़की है, यहाँ क्यों पंढरपुर रहती है, इसके मन में कुछ तो बुरे विचार है इसलिए यहाँ रह रही है। लेकिन कान्हो पात्र उस विचार को न सुनते हुए न उस पर ध्यान देते हुए वो बस भगवान विट्ठल का वो वहाँ पर भजन गाती थी, वहाँ पर अपना भक्ति करती थी। कुछ समय बाद ऐसी वार्तालाप हुई, जो वेश्या थी मंगलवेड़ा में जिसकी लड़की कान्हो पात्र है उसका कनेक्शन एक मुगल राजा से था। तो वो राजा जो थे वो बड़े परेशान थे, उनको बड़ी इच्छा थी कि ये वेश्या इतने अच्छे नृत्य करती है, उसकी लड़की कितने अच्छे नृत्य करेंगी, तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो लड़की को वहाँ पर नृत्य के लिए लाया जाए। लेकिन उसे जब पता चला कि लड़की जो पंढरपुर चले गई वहाँ संत बन गई तो उसे बहुत बुरा लगा। तो उसने ऑर्डर किया अपने सैनिकों से कि उसे पकड़ के लेके आओ कहाँ पर भी हो। सारे सैनिक पकड़ने आ गए पंढरपुर में कान्हो पात्रा को। कान्हो पात्रा को खबर पड़ी तो बड़ी दुखी हो गई,
उस समय वो भाग कर गई। भगवान को देखकर उन्होंने भगवान के चरणों में अपना हाथ रख लिया और कहा कि भगवान, अभी जो मुझे मिला है धन आपकी भक्ति का, ये छूटने वाला है। मुझे लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके साथ में मुझे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ से मुझे दूर कीजिए, मुझे जाना नहीं, मुझे तो आपके चरण कमल में ही सब कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके चरण में ही अपना प्राण छोड़ दूँ और आपके लीला में मैं कुछ सहभागी करूँ। ये कहते हुए कानोपात्रा ने अपना शरीर भगवान को पकड़ते हुए चरणों को ऑल्टर में छोड़ दिया। सैनिक आके उठाने गए शरीर को, देखा तो मृत शरीर है। सारे जो ब्राह्मण, सारे पंडित, सारे भक्त एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसे इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसने अपना प्राण भगवान के चरणों में छोड़ दिया था। तो सारे ब्राह्मणों ने, सारे भक्तों ने सोचा कि ये विशेष भक्त है। हाँ, हमारे यहाँ पर इतना इतिहास है, सारे भक्त भगवान के पंडरपुर धाम में अपनी प्राण छोड़ते हैं, तो उनकी समाधि पंडरपुर में होती है, लेकिन ये भक्त ने अपना प्राण भगवान के मंदिर में छोड़ा है। तो सबके विचार के, फिर सब ने विचार किया और मंदिर के एक कोने में उन्होंने इस भक्ति भक्त इस भक्त को उसका समाधि उन्होंने वहाँ पर किया। तो आज भी वो समाधि जगह है। उस समाधि से एक वृक्ष निकला है, अभी तो प्राचीन वृक्ष हो गया बहुत, लेकिन आज भी एक वृक्ष है, सूख गया वो। लेकिन देखिए, इतनी भगवान की कृपा है हम सब पर कि आज जो दर्शन का जो लाइन है, जो जहाँ से निकलता है, वो इस तरह से निकलता है कि सबसे पहले आपको उस पेड़ का दर्शन होगा जहाँ पर कानोपात्रा की समाधि है, और उसको आपका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कानोपात्रा का जीवन रहा, अभी भी वहाँ आपको समाधि का दर्शन मंदिर में मिलेगा। ऐसे कहा गया कि नामदेव महाराज जब रहते थे तो नामदेव महाराज को भगवान ने खुद आके कहा कि अभी आपका हो गया पूरा, अभी आप भगवत धाम आइए मेरे साथ में। तो नामदेव महाराज ने कहा कि भगवत धाम तो बहुत ऊंचा स्थान है, मैं इस स्थान के लायक नहीं हूँ। देखिए, नामदेव महाराज कह रहे भगवान को, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो मेरी इच्छा ऐसे है कि मैं अपना प्राण त्याग और अपना शरीर सब कुछ आपके मंदिर का जो आगे का जो क्षेत्र है, जहाँ पर सीढ़ियाँ है, उस सीढ़ी के ऊपर मैं अपना प्राण त्याग करना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पर मेरा समाधि हो और मुझ पर चढ़कर सारे भक्त आगे फ्यूचर में चले और आपका दर्शन करें। इतना बड़ा उनका जो है कॉन्शियसनेस, उनकी साक्षात्कार, उनका भावना है। तो भगवान बड़े हंसने लगे और कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो ऐसी इच्छा पूरी होगी। तो नामदेव महाराज भगवान के मंदिर के सामने गए, जैसे सीता देवी का जो लीला हुआ था, अप्रकट लीला, उसी तरह ऐसा कहा गया कि सामने जहाँ से मंदिर का जो सीढ़ियाँ निकलती है, वहाँ पर ज़मीन खुल गई और नामदेव महाराज उस ज़मीन के अंदर प्रवेश कर गए। जब उन्होंने प्रवेश कर दिया तो भगवान ने बुलाया था तो जा रहे थे। जनाबाई सोचे कि नामदेव महाराज जा रहे, मैं तो उनकी दासी हूँ, मैं रह के क्या करूँ? तो उस जो जगह जो खुल गया था उसमें जनाबाई भी चले गई, प्रवेश कर गई। फिर बाद में सारे जो परिवार गण थे नामदेव महाराज के, वो भी सोचने लगे कि हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हमारी जो भक्ति चल रही है वो किसके कारण चल रही है? नामदेव महाराज के। पूरे के पूरे परिवार के सारे सदस्य उस में समाहित हो गए और वो भूमि बंद हो गई। तो आज भी ऐसा कहा गया है कि ये देखिए, यहाँ पर मेन एंट्रेंस है नामदेव पायरी कहते हैं, और यहाँ पर ये स्थान है नामदेव महाराज का, यहाँ पर शीश है। तो देखिए, इतना बड़ा, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी उनकी कैसी भावना है, उनका चित्त देखिए। तो ऐसा नहीं कि अभी वहाँ पर जाके भक्त उनके सिर पे पैर रखते हो जाते, ऐसा नहीं है। उनकी भावना इतनी अच्छी थी, लेकिन आगे जाके उनके जो अनुचर थे, भक्त थे, वो सोचने लगे कि हम थोड़ी अपना पैर रख के ऊपर जाएंगे। तो अभी वो स्थान उनका मंदिर बन गया है, अभी कहीं और जगह से एंट्रेंस हो गया है जहाँ से भक्त मंदिर में जाते हैं। तो ये नामदेव पायरी के नाम से ये फेमस हो गया है। नामदेव पायरी यानी नामदेव जी का जो स्टेप्स है, वहाँ पर वो उनने समाधि ली है। ये कानोपादर देवी का उनका एक सुंदर फोटो यहाँ पर है, भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। इसी तरह पंडरपुर क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग तीर्थ
तीर्थ स्थान है जहाँ पर भक्त जब यात्रा के लिए आते हैं तो चंद्रभागा नदी से होते हुए वो जो है अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करते हैं। उसमें से एक तीर्थ है गोपालपुर टेकड़ी, जहाँ पर ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे तो एक बार अपने ग्वाल बाल और गायों को लेकर इस क्षेत्र में आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं वृंदावन लीला करते हुए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी अलग अलग लीलाएँ की। तो वहाँ एक सुंदर मंदिर है गोपालपुर करके, वहाँ मंदिर में सुंदर भगवान का मुरली बजा तो एक सुंदर विग्रह है। गोपालपुर धाम ये है, चंद्रभागा के तट पर सुंदर भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पर है, ग्वाल बाल गायों के चरण चिन्ह है, मुरली का चिन्ह यहाँ पर है, और ये सुंदर दर्शन है भगवान के भक्तों का जो चंद्रभागा नदी में सुंदर से स्नान कर रहे हैं, पुंडलिक का दर्शन करेंगे और तत्पश्चात भगवान विट्ठल और रुक्मिणी का दर्शन ग्रहण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि महाराष्ट्र में बहुत प्रचार हो तुकाराम महाराज के चरण चिन्ह पर चलते हुए, और उन्होंने इसका दायित्व अपने एक निजी शिष्य परम पूज्य लोकनाथ महाराज को दिया। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने अपना सारा फोकस केंद्रित किया महाराष्ट्र में, और उनके द्वारा बहुत प्रचार हुआ है, और पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करते करते पंढरपुर में भी उन्होंने इस्कॉन का एक केंद्र स्थापित किया है चंद्रभागा नदी के इस तरफ। ये सुंदर अर्च विग्रह है वहाँ पर, जिसका नाम रखा है राधा पंढरीनाथ। ये सुंदर मंदिर इस्कॉन का है, तो जब भी आपकी आपका योग होगा जाने का पंढरपुर धाम का, आप जरूर इस्कॉन मंदिर में जाइए जहाँ पर राधा पंढरीनाथ आपको सुंदर से दर्शन देंगे। वहाँ के भक्त बहुत अच्छे भक्त हैं, आपको अच्छा दर्शन कराएंगे मंदिर का, अच्छी कथा कराएंगे, अच्छा प्रसाद खिलाएंगे, और आपको लगेगा कि ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित पंढरपुर धाम से मैं कभी निकलूँ ही नहीं, इतना सुंदर वहाँ के भक्त है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज वहाँ पर सेवा पूजा कर रहे, भक्तों को वो इंस्पायर कर रहे। राधा पंढरीनाथ की जय। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भक्तों ने जो है चरण चिन्हों की स्थापना की है। चैतन्य महाप्रभु 1514 सदी में पंढरपुर में आए थे यहाँ पर। ये सुंदर दृश्य है चंद्रभागा नदी का। हरे कृष्णा, श्री श्री विट्ठल रुक्मिणी भगवान की जय, श्री पंढरपुर धाम की जय, श्री आषाढ़ी एकादशी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नीताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आरजी मीडिया यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब।